दोस्तों, गाड़ी में हॉर्न की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है वो आपको तब पता चलेगा जब गाड़ी में कभी हॉर्न खराब हो जाए। जैसे मेरी गाड़ी का हॉर्न यहाँ पर बज ही नहीं रहा है और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना उस वजह से, मतलब बिना हॉर्न के, मतलब एक आदत सी हमको पड़ जाती है ना हॉर्न की, हर जगह हमको हॉर्न बजाना होता है। तो अभी हॉर्न है नहीं, तो इसको मैं हॉर्न पैड को प्रेस तो कर रहा हूँ लेकिन हॉर्न काम करेगा कैसे, क्योंकि हॉर्न तो काम कर नहीं रहा है। तो ठीक है, चलिए आज का वीडियो उसी पर रखते हैं। वैसे तो नॉर्मली बहुत सी चीज़ें हो सकती है, मान लीजिए हॉर्न खराब हो, कई बार हॉर्न की जो एक एडजस्टर स्क्रू होता है उसको टाइट करके भी हॉर्न बजने लग जाता है, तो एक बहुत छोटा सा इशू है, ठीक है। या फिर कई बार रिले उड़ जाती है, या फिर अगर एक्सटर्नल हॉर्न लगाए हो तो रिले का इशू हो सकता है, या फिर फ्यूज़ का इशू हो सकता है, वायरिंग का हो सकता है, या फिर सबसे जो कॉमन चीज़ है थिम्बल निकल सकता है अगर थिम्बल ढीला हो जाए हॉर्न का। चलिए जो भी होगा, अगर कुछ इस टाइप का होगा कि मतलब बताने लायक होगा, थिम्बल निकला होगा फिर तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, लेकिन अगर उससे बड़ा या उससे अलग कोई इश्यू होगा तो मैं आपके साथ वो वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ चेक करने में हॉर्न एक्चुअल में बज क्यों नहीं रहा, सबसे पहले तो चेक करने वाली चीज़ें होती है थिम्बल, थिम्बल कनेक्टेड है देखिए। तो इस गाड़ी में तो फ्यूज़ की लोकेशन इधर है यहाँ, ठीक है। अब मैं ज़्यादा आगे हाथ डाल दे रहा हूँ, खाली कपड़े गंदे होते हैं, इससे मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाथ जा भी नहीं रहा इतनी आसानी से, खैर बट ये है फ्यूज़ की लोकेशन। तो इसमें सबसे आसान चीज़ है, जैसे निकाला है इसको डब्बे को, इसमें चेक कर लेना कि फ्यूज़ कहाँ पर है। फ्यूज़ की लोकेशन चेक करने के लिए 15A, ये सिगार वाला है, ये एक्सेसरी वाला है, इसके बगल में 5A LPG, उसके बाद 10 एम्पियर वाला मीटर का, उसके बाद 10A वाला आपका ABS का, उसके बाद वाइपर वॉशर 15 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर आपका टर्न बैक, और उसके बाद 15 है IG, 15A है आपका एयरबैग का। अब यहाँ पर नहीं है कोई सा भी, ठीक है। तो नीचे वाले में देखना है पावर स्टीयरिंग का 30 एम्पियर का, ये वाला है 15A, हॉर्न और हैजार्ड का सेम है। उसके बाद भी अगर मैं आपको काउंट कर रहा हूँ तो ये जो ये वाला है रेडियो 15 का, उसके बाद है 10 टेल लैंप का, 10 एम्पियर स्टॉप लैंप का, और ये आपका 20 एम्पियर है डोर लॉक, और ये वाला है फॉग लाइट का, और ये फिर उसके बाद हो गया रियर फॉग का, और ये रियर डिफॉगर, और ये हीटर का, ठीक है। तो हमें कौन सा का? ये यहाँ पर हॉर्न और हज़ार, तो हमने जैसे निकाला था कितने एम्पियर का है ये 15 का, तो इसको निकालते हैं, ठीक है। लोकेशन इधर है, अगर दिखाऊँ तो रुको, दिख रहा है। तो सबसे पहले इसका फ्यूज़ पुल करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। पुलर इसमें है नहीं, पुलर पहले किसने निकाल लिया होगा इसका, तो अभी इसे खींचना पड़ेगा किसी प्लायर की हेल्प। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऐसे लगता है ना, बहुत टाइट है फ्यूज यहाँ पर अपना, सही है, देखो फ्यूज बिल्कुल सही है ना। अगर मान लीजिए फ्यूज अगर उड़ा होता ना, तो फिर आपको चेक करना होता कि फ्यूज उड़ क्यों रहा है। अगर मान लीजिए कोई वायरिंग शॉर्ट करिए, या फिर हॉर्न आपने ज़्यादा बड़े लगा दिए, तो हो सकता है कि और फ्यूज छोटा हो, या फिर गलत फ्यूज लगा हो, ठीक है, तो भी फ्यूज उड़ने के चांसेस रहते हैं। तो फ्यूज यहाँ पर परफेक्ट है, इसको वापसी लगा देते हैं, ठीक है। कुछ और इसका रीजन हो सकता है, वो चेक करते हैं। वापसी लगाना वैसे ही जैसे लगाया निकाला था, थोड़ा यहाँ पर जगह का वो है ना इश्यू, ये प्रॉपरली फिट हो गया, ठीक है। इसको वैसे ही लगा लेना है डब्बे को, इसके ढक्कन को, तो यहाँ सब कुछ ठीक है फ्यूज़ की तरफ से, कोई और दिक्कत है वो चेक करते हैं। हॉर्न ये बिल्कुल भी नहीं बज रहा है। सबसे पहले मैं रिले के कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है रिले, हो सकता है यहाँ से कोई इश्यू हो, तार भी ऑलमोस्ट ये कटी गई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिले है ना, अब मैं क्या करूँगा, इसमें से दो थिम्बल निकाल लेता हूँ किसी हॉर्न से, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, ठीक है। अभी अब चेक करना है इसमें करंट आ रहा है या नहीं, तो मल्टीमीटर से चेक होगा, मैं मल्टीमीटर लाता हूँ, ठीक है। एक प्रोब लगा लेता हूँ पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे, फिर उसके बाद क्या करूँगा, अंदर से मैं हॉर्न को प्रेस करूँगा, तो पता चल जाएगा कि अपना जो कनेक्शन है सही है या नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ लगा लिया और इसको लगा लिया यहाँ, ठीक है। अब मैं अंदर से हॉर्न पैड प्रेस करूँगा, अगर सही होगा करंट आ रहा होगा, हॉर्न ख़राब नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप वोल्टेज चेक करना, ठीक है। उसमें वोल्टेज तो बड़ी नहीं, लेकिन क्लिक की एक आवाज़ आई थी ना जो बार बार वो थी, इसका मतलब अपना जो रिले है वहाँ तक प्रॉपर सप्लाई पहुँच रही है जो हॉर्न वाली है, ठीक है।
लेकिन उससे आगे को हॉर्न को वो सप्लाई नहीं मिली, इसका मतलब ये सही है, यहाँ कोई दिक्कत है, हो सकता है ये इशू, एक मिनट है, अर्थिंग का भी हो सकता है। तो एक बार मैं इसको ढीला करके यहाँ पर अर्थिंग भी इसकी चेक कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कोरिजन या फिर रस्टिंग की वजह से भी जो कनेक्शन है ना वो ख़राब हो जाता है, तो इसको एक बार दोबारा कहीं से मैं अर्थिंग देकर फिर टेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर इसमें अर्थिंग आ रही है नहीं। वैसे अर्थिंग के लिए कोरिजन से मैटर नहीं करता, पेंट से मैटर करता है, बट हो सकता है उनके बीच में कुछ आ रखा होगा ऐसा जो एक जो प्रॉपर जो कनेक्शन होगा ना वो नहीं बनने। एक बार अपना रिले के अंदर का कनेक्शन चेक करने के लिए एक बार रिले को पूरा खोल के चेक कर लेगा, ठीक है। इसके लिए हमें सारे ही हटाने पड़ेंगे कनेक्शन जितने भी हैं, ये हट गया एक और ये हट गया दूसरा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर देखना है, इतने टाइम से रिले लगी हुई है ना, उसमें इतने सारे यहाँ पर जो कोरिजन है रीज, ये भी वजह हो सकती है कि यहाँ से करंट आगे को पास ना हो रहा हो। तो एक बार इसको भी साफ़ करके देख लेंगे, या फिर इसकी जगह कोई दूसरी रिले है ना उसको भी लगा के देख लेंगे, वरना हालत तो इसकी भयंकर ही हो रही है। देखो कितनी भयंकर हालत हो रही है ना इसकी, तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और रिले क्लिक हो रही है, हाँ ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी, एक बार और दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अंदर से हॉर्न प्रेस करूँगा, आप इसकी आवाज़ सुनना क्लिक हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो रिले तो क्लिक हो रही है लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा, मतलब इनपुट वो वोल्टेज इसमें पूरी आ रही है जितनी आनी चाहिए, क्योंकि एक कनेक्शन बैटरी से भी आता है ना, ये जो ये वाला है ये डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है। तो इसको साइड कर लेते हैं, इनको सबको दोबारा से क्लीन करके दोबारा से लगाते हैं, एक बार क्या पता चलने लग जाए, तो हो सकता है कोरिजन की वजह से हो रहा हो, बहुत हार्ड हो रहा है ऐसे, इनको सबको निकाल लेते हैं, ठीक है। अरे देखो रिले की हालत, पूरी रिले ही टूट गई है, तो ये देखो क्या ही होगा इसका, कुछ नहीं होगा, रिले चेंज होगी, ठीक है। तो फिलहाल इन थिम्बल्स को निकाल लेते हैं, उनकी हालत दिखाता हूँ एक बार, ये देखो रस्टिंग फेर दी ऐसी तैसी। दूसरा कहाँ है, दूसरा भी इसका अंदर ही, इसको भी निकाल लेते हैं क्योंकि थिम्बल्स हमारे ठीक है, थिम्बल्स में कुछ नहीं होता है, रिले कैसे ख़राब हुई पता नहीं। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये तो जैसे तैसे निकाल लूँगा, फिलहाल अब हमें चेंज करनी पड़ेगी रिले। तो रिले मेरे पास एक पड़ी है, उसको मैं लगाता हूँ, ठीक है। इसको भी निकाल लेता हूँ, वहाँ तो ये हालत हो रही है इस रिले की, ये क्या ही काम करेगी, लेकिन चल बहुत गई है। कितने एम्पियर की है, 25 एम्पियर की रिले है, फोन के हिसाब से इतनी काफ़ी है, ठीक है, हो सकता है इसी की दिक्कत हो। तो अब रिले मैं दूसरी लाता हूँ, उसको लगाते हैं। तो रिले आउट हो गई ना, ये आ रही है अपनी डायरेक्ट लाइन जो स्टॉक फोन की लाइन थी गाड़ी में, तो इसको एक बार लगा के चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि इसमें कोई इशू है या नहीं है, ठीक है। इसको लगा लेते हैं, इसको चेक करते हैं दूसरा, एक तो हॉर्न मैंने ऐसे लगा रखे ना, इनका पता ही हाथ ही नहीं घुसता है, जगह है नहीं, बम्पर निकालने से बढ़िया यहीं कहीं लगा लो वही बढ़िया रहता है। चलो ये दो लग गए, अब हॉर्न बजा के एक बार देखता हूँ, ठीक है। नहीं बजा, बजा बजा बजा, एक बार बजा, मतलब उस लाइन में कार्बन की वजह से दिक्कत है, मतलब वो लाइन काम करे, ठीक है। तो ये इंश्योर हो गया। तो नई रिले इंस्टॉलेशन से पहले पुरानी जितने भी थिम्बल्स या लाइन है उनको एक बार क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि उनमें कोरिजन बहुत ज़्यादा है ना, इससे वो साफ़ हो जाएंगी पूरी। तो सारी लाइन्स को एक बार क्लीन कर लेते हैं, ये देखिए इसके अंदर कितनी सारी रस्टिंग है, और साथ ही हॉर्न के जो अपने थिम्बल हैं वो साफ हैं, उनको जरूरत नहीं, बट एक बार कर लेते हैं इनको भी, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, सेम इधर भी और सेम इधर भी, ठीक है। तो अभी इसको थोड़े से सूखने देते हैं, उसके बाद नई रिले इंस्टॉल करेंगे। तो रिले की वायरिंग ये देखिए 30 में आएगा आपका जो मेन जो बैटरी से पॉजिटिव वाला, वो ध्यान से देखना है, 30 में ये आ जाएगा, 86 और 85 और 86 में जो हॉर्न के स्टॉक थिम्बल है कनेक्टर ये आ जाएंगे, ये आ गया। और जो 87 दिख रहा है ना पर, और 87A लिखा है, उसमें आ जाएगा जो कनेक्शन गया हॉर्न्स की तरफ ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है।
ये हो गया कनेक्ट, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं और इनको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं हॉर्न के साथ भी। कोई सा भी एक भी कनेक्ट कर लेंगे चेकिंग के लिए, पता चल जाएगा ना। फिलहाल एक कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मतलब रिले का इश्यू हो रहा था उसमें, अब दूसरा भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके भी कनेक्टर मैंने लगा लिया, अब अंदर है, ये दिख नहीं रहा इधर से, ठीक है। दोनों के लग गए, ठीक है। और अब ये रिले के कनेक्शन भी हो गए। इसको रिले को कहीं हाइड कर लेता हूँ मैं, इधर अंदर कहीं कर लेता हूँ। इसको हाइड करना थोड़ा टफ पड़ा है, चलो कोई नहीं, वो तो मैं कर लूँगा, नीचे कहीं डाल लेता हूँ, ठीक है। कनेक्शन हो गए ना, यहाँ पर वायर हल्की कट गई थी, वो मैंने टेप लगा के देख लिया, टेप लगा लिया। इधर के थिम्बल्स कनेक्ट हो गए, इसके भी हो गए, दोनों के हो गए। और ये यहाँ पर लटकता हुआ रहेगा, अब इसको एक काम करता हूँ। देखिए, अगर किसी मूवेबल पार्ट्स के पास होता तो इसको कहीं फिक्स करना पड़ता, बट ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं। मूवेबल बेल्ट है वो बहुत नीचे है, वहाँ तक इसकी रीच है नहीं, ठीक है। उसको यहीं पर रहने देते, वेट इसमें ज़्यादा है नहीं, थिम्बल्स ने इसको अच्छे से होल्ड किया हुआ है। ये सब हो गया, अब इसको कर लेते हैं अच्छे से चेक। बाकी क्रॉस चेकिंग के लिए सब कुछ मैंने एक बार चेक कर लिया, थिम्बल्स भी टाइट मैंने कर लिया है, ठीक है। अब करते हैं इसको चेक, एक ही बार बजाऊंगा खाली, लोगों को डिस्टर्ब होता नहीं, तो एक बार बजाऊंगा वैसे, ठीक है। परफेक्टली काम करने लगे अपने फोन वाला इशू था, ये तो सॉर्ट आउट हो गया। इसमें सिंपल था क्या था, जो रिले थी, रिले मैं आपको दिखाता हूँ रिले की क्या हाल हो रखे हैं। तो ये कुछ हाल हो रखा है इस रिले का। देखिए सच में बताऊँ तो रिले बहुत अच्छी है, मैंने इसको बहुत टाइम से यूज़ किया, बस बट मैंने इसमें क्या कर दिया था, मैंने इसको सब तरफ से टेप से कवर कर लिया था। हो सकता है पानी जा रहा हो और पानी को निकलने की जगह नहीं मिली, पानी किसी के अंदर रह रहे रस्टिंग हो गई, या फिर जो बैटरी वाला होता है ना इसमें सारी कोरिजन, ये भी है। तो मेन जो मुझे रीज़न लग रहा है रस्टिंग का ही लग रहा है, इस वजह से इसके जो यहाँ पर कनेक्टर होते हैं ना जिनमें थिम्बल अटैच होते हैं वो पूरे टूट गए। तो अब मुझे यही रीज़न था जो ये हॉर्न हमारा बज नहीं रहा, ठीक है। रिले ही चेंज करनी थी, रिले अच्छी मैंने काफ़ी साल चलाई है, अच्छी रिले, ठीक है। तो जो इशू हो रहा था रिले की वजह से वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम में होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, टेक केयर।